नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की 10 बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया, बहामास के प्रधानमंत्री फिलिप ब्रेव डेविस के साथ बहुत अच्छी हुई बैठक। बातचीत के दौरान हमने अपने देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन और अन्य क्षेत्रों में की पूरी श्रृंखला की समीक्षा। एग्जिट पोल पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, इस देश में एग्जिट पोल धोखा। हमने लोकसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल के 400 पार के आंकड़े देखे। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को 60 पार करते देखा। वे महाराष्ट्र के लिए डेटा दे रहे, एग्जिट पोल पर भरोसा न करें। कहा, 160 सीटें जीतकर महाविकास अघाड़ी सरकार बना रही। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सीएजी के संजय मूर्ति को दिलाई पद की शपथ। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कहना, आज दिल्ली गैस चैंबर बन गई। AQI 350 से 400 को पार, GRAV4 लागू, यहां सांस लेना सबसे खतरनाक। दिल्ली NCR के हर परिवार में एक व्यक्ति वायु प्रदूषण से पीड़ित। केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली को ऐसी हालत में पहुंचाया। अमेरिकी अभियोजकों द्वारा गौतम अडानी पर कथित रिश्वतखोरी मामले में आरोप लगाए जाने के बाद देखने को मिला कांग्रेस का एक्शन। कांग्रेस ने अडानी समूह के लेनदेन की जेपीसी की मांग। दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में धुंध की एक परत छाई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इलाके में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियनती याने लाओ PDR में 11वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में लिया भाग। उद्घाटन भाषण में कहा, मैं 11वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में भाग लेने के लिए यहां आकर बेहद खुश हूं। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातनी एकता पदयात्रा की घोषणा की। कहा, सनातनी एकता पदयात्रा का मुख्य लक्ष्य भेदभाव और जातिवाद को खत्म करना। धर्मांतरण पर कहा, धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा। 55वें इफी गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा, इस साल हम देखेंगे कि इफी का मुख्य फोकस युवाओं पर रहा। कहा, हमारा देश बेचैन सपनों का देश, हर युवा अपनी कहानी बनाना चाहता। अब देश के युवाओं में यह विश्वास है कि वे दुनिया को अपनी कहानी बता सकते। सिरसा में बाबा सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज का हुआ भूमि पूजन। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया भूमि पूजन। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा भी कार्यक्रम में मौजूद। संबोधन में पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने कहा, सिरसा में CM का स्वागत करता हूं। CM ने सिरसा में कोई काम नहीं रुकने दिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे अर्थ प्रकाश टीवी।